अभी हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस पार्षद अभय वर्मा जी। अभय वर्मा जी ऐसे पार्षद है जो हमेशा विवादित तरीके से घिरे रहे मौजूद रहे। आइए बात करते हैं उनसे सांवेर उपचुनाव की, कि क्या प्रतिक्रिया है उनकी सांवेर उपचुनाव में, क्या दावा करते हैं वो जीत का, और अभय जी से चर्चा करते हैं और जानते हैं किस तरह से कांग्रेस अब सियासी हलचलों में तेज नज़र आ रही है और किस तरह से अब उनकी प्रतिक्रिया है सांवेर को लेकर। देखिए मैं आपको बता दूं कि जो उपचुनाव होने वाले हैं अभी, इसमें कांग्रेस की सरकार 100% बनेगी। क्योंकि क्या है, सांवेर की जनता और ये मध्य प्रदेश की जनता ने देखा कि जिस तरीके से सिंधिया जी ने और उनके लोगों ने जिस तरीके से कांग्रेस की पीठ में छुरा भोंका, तो ये इस प्रदेश की जनता, इस सांवेर विधानसभा की जनता ये भली भांति जानती है कि ये लोग गद्दार हैं और गद्दारों से बदला लेना उनका अधिकार है। क्योंकि जनता ने बहुत ईमानदारी से कांग्रेस को वोट दिए थे, हमारे जो तुलसी सिलावटे हैं उनको विधायक बनाया कांग्रेस पार्टी ने, उनको मंत्री बनाया कांग्रेस पार्टी ने, उनको सब कुछ दिया। ये पूरा प्रदेश और सांवेर विधानसभा क्षेत्र के लोग जानते हैं। जहाँ तक बात है सांवेर विधानसभा की, तो तुलसी सिलावट जी ये समझ लें कि वो किसी कीमत पर जीत नहीं पाएंगे, क्योंकि जनता ये धोखा बर्दाश्त नहीं करेगी। देखा जा रहा है अभय जी कि कहीं ना कहीं कैलाश जी को एक बड़ा दायित्व मिला है, उनके परिवार के आकाश विजयवर्गीय, उनके पुत्र रमेश जी, गोलू शुक्ला जी को सांवेर से बड़ा प्रभार मिला हुआ है। प्रभारी के दौर पर वो वहाँ पे तुलसी सिलावट की मदद कर रहे हैं, पर अभी तक कोई बड़ा चेहरा कांग्रेस से सांवेर में नज़र आता हुआ नहीं दिख रहा है। तो उसके पीछे क्या कारण हो सकता है कि कोई बड़ा चेहरा सांवेर से प्रेमचंद गुड्डू के लिए नहीं गया है अभी तक? देखिए मैं आपको बता दूँ, जहाँ तक कैलाश जी की बात है, ना उनमें पहले दम था ना आज दम है। आपने उनके बेटे की करतूत तो देख ही लोगे आपने, अधिकारियों को बल्ले से मारना, कभी मन से अपशब्द कह देना। जहाँ तक सांवेर विधानसभा के इन लोगों को भेजा गया है, जिस बड़े नेता की बात कर रहे हैं आप, तो मुझे एक पुराना वाक्य याद आ रहा है, जब ये महापौर थे कैलाश जी, तो उस मंच पे ये बैठे थे जब इन्होंने नगर निगम में पहला कदम रखा था, और उस मंच पे आदरणीय श्री सज्जन सिंह वर्मा जी बैठे थे और कैलाश जी की माता जी भी बैठी थी। तो कैलाश जी ने सबसे पहला भाषण दिया कि मैं महापौर बन चुका हूँ और महापौर एक पिता के समान होता है, उनकी माँ को चरण स्पर्श करे और उन्हीं के सामने भाषण का। जब श्री सज्जन सिंह वर्मा जी की बारी आई तो उन्होंने ये कहा था कि कैलाश जी आप पिता मत बनो, जिस तरीके से आपने आपकी माँ के पैर पड़े हैं उसी तरह से आप इस शहर की बेटे बन के सेवा करो। तो कैलाश जी का ये घमंड है और ये घमंड टूटेगा, ये सांवेर की जनता इनका घमंड तोड़ेगी। भैया जैसे बीजेपी ने हमेशा एक अपना मोनो दे रखा है कि हाँ कैंडिडेट चुनाव नहीं लड़ता है, संगठन ही चुनाव लड़ता है, तो कांग्रेस की तरफ से कब तक आपको क्लियर हो रहा है कि प्रेमचंद गुड्डू चुनाव लड़ने जा रहे हैं और कौन सा बड़ा चेहरा उनके लिए मध्य प्रदेश से प्रभार बनकर आ रहा है और किसको प्रभार मिलता है, ये आप कब तक क्लियर कर पाएंगे? देखिए आदरणीय श्री सज्जन सिंह वर्मा जी एक बड़े नेता हैं, उनको सांवेर की और हाटपिपलिया की दोनों जगह की जिम्मेदारी दी है, और हमारे आदरणीय जीतू पटवारी जी भी उस सांवेर विधानसभा में बहुत मेहनत कर रहे हैं। क्योंकि हम तो ये मानते हैं कि ये जो कहते हैं कि सांवेर विधानसभा में कैलाश जी को प्रभारी बना दिया है, आकाश को प्रभारी बना, रमेश मिंदौल जी बना दिया है, ऐसा कुछ नहीं है। आदरणीय श्री सज्जन सिंह वर्मा जी बहुत बड़े नेता हैं और ये इनके पैर की धूल भी नहीं है लोग। भैया ये अंतिम क्वेश्चन है, आपने नोटिस किया होगा कि कांग्रेस सरकार थी जब तक बड़े बड़े भूमाफिया, बड़े बड़े बिल्डर्स के खिलाफ कार्रवाई हुई है और उसी को फॉलो कर रहा है शिवराज सिंह चौहान, और उसी के बेस पर आज वापस से वही चीज़ें सामने आ रही है, जैसे 264 दिन बाद जीतू सोनी की गिरफ्तारी हो रही है, उसका बेटा सरेंडर कर रहा है और कहीं और बिल्डर भी है जिनकी क्राइम ब्रांच की तरफ से अधिकतर जल्द से जल्द ये कार्रवाई हो रही है, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं चुनाव एक कारण बना नज़र आ रहा है। देखिए जब कांग्रेस
कि सरकार बनी, कमलनाथ जी सीएम बने, तो पूरे प्रदेश की जनता को ये मालूम था कि कमलनाथ जी खूब काम करेंगे और जो बिल्डर लाभी है जो गलत तरीके से आम जनता को लूटती है और जीतू सोनी जैसे लोग जो इस पूरे प्रदेश की आवा को ख़राब करते थे, तो ऐसे लोगों को खूब तगड़ी कार्रवाई हमारे कमलनाथ जी ने करी। मैं तो उनको बधाई देता हूँ और इस प्रदेश की जनता की तरफ से बधाई देता हूँ। और जैसे जब ये सरकार गई तो हमारे शिवराज सिंह चौहान ने वापस इनको बटोरना चालू कर दिया, क्योंकि चुनाव करीब हैं, ये सब फाइनेंशियली मदद करते हैं। शिवराज सिंह चौहान की पहले भी करी रही है और अभी भी करी, अभी भी ये पैसे दे के पेश हुए हैं, ये सारा शहर देख रहा है, पूरा प्रदेश जानता है कि इन्होंने खूब करोड़ों अरबों रुपया शिवराज सिंह चौहान को दिया जब जाके ये पेश हुए ये लोग। भैया ये क्वेश्चन आपसे छोटा सा है, पूछ रहे हैं भैया कितने मतों से आप जीतने का दावा कर रहे हैं सावर विधानसभा से? सावर विधानसभा आप ये समझोगे हम 25,000 से लेकर 50,000 वोटों से हम जीतेंगे, क्योंकि उसका कारण साफ है, स्थिति साफ है, क्योंकि सावर की जनता ने बहुत ईमानदारी से बहुत मजबूती के साथ तुलसी सिलावट का साथ दिया था, कांग्रेस साथ दिया था। आज वहाँ के लोग बहुत निराश हैं क्योंकि तुलसी सिलावट जी ने कांग्रेस की पीठ में और वहाँ के लोगों के साथ धोखा किया है। इसलिए मेरा कहना है कि 25 से 50,000 वोट से हम सावर विधानसभा जीतेंगे। धन्यवाद। हमारे बीच मौजूद थे कांग्रेस के कद्दावर पार्षद कहते हैं अभय वर्मा जी, उनका कहना है 25 से 50,000 वोटों से वो जीत हासिल करने जा रहे हैं सावेर की, वो तो समय ही बताएगा कि कौन पहनता है सावेर से विधानसभा का ताज। अक्षय कुमायू के साथ शुभम खत्री, खबर बैंड न्यूज़, मध्य प्रदेश।